नमस्कार, बीसीएन न्यूज की हिंदी बुलेटिन में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पुतले के सामने मणिपुर के अत्याचार के खिलाफ जन आंदोलन किया गया है, जिसमें गणेश दादा इडपाचे, राष्ट्रीय प्रवक्ता बिरसा ब्रिगेड, उषा किरण आतराम, प्रसिद्ध लेखिका वैशाली पंधरी, शिव नागपुरे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अवंती लोधी, महासभा सविता बेदरकर, सुनील भरणे, क्रांति ब्राह्मणकर, संभाजी ब्रिगेड, नितिन बंसोड़, राहुल एल्ले, रतिराम सेंद्राम, देवेंद्र मरशकोल्हे, अक्षय मानकर, पवन कुंभरे, विकास मसे, सुषमा चौधरी, महिमा नेताम, पूजा नेताम, मालती किन्ना के, हेमलता आहा के, राजेश सलाम, बिंदु कोडवते, मुनीश्वर कोसमे सहित बड़ी संख्या में एससी एसटी ओबीसी का संगठन उपस्थित था। सभी ने मणिपुर की घटना पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की निष्क्रिय व्यवहार का जमकर विरोध किया एवं सर्वोपरि इंसानियत को तवज्जो देने की तरफ ध्यान दिलाया। संविधान का पालन कर देश और धर्म नहीं इंसान और इंसानियत को प्रथम स्थान पर रहने का हक है और उच्च पद पर रहते हुए माँ बहन बेटी का सम्मान जो नहीं करे से उच्च पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं, जैसे शानदार उद्बोधन से सभी ने मणिपुर की घटना और सरकार का संवैधानिक तरीके से विरोध किया। रखते हो उस तरीके से इस देश में यहाँ की सत्ताधारी षड्यंत्रकारी जमात आदिवासियों को रखती है, बुद्धिस्टों को रखती है, ओबीसीओ को रखती है। ये इस एजेंडे को समझो, 90 दिन से सबने बोला ये मैथिली के लिए हो रहा है, ये जमीन के लिए हो रहा है, ये रिजर्वेशन के लिए हो रहा है, ये यूसीसी के लिए हो रहा है। G20 का देखा है क्या? G20 का न्यूज़ है, वो केवल मणिपुर की बेटी नहीं है, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी अस्मिता है, ये तुम्हारी संस्कृति है, ये तुम्हारे जीवन है, यही तुम्हारी पहचान है और यही तुम्हारी आइडेंटिटी है। गढ़चिरौली जिला मुख्यालय पर आज हजारों की तादाद में आदिवासी युवाओं और छात्रों ने जिले के आदिवासी लोक प्रतिनिधियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। यह चक्का जाम आंदोलन अखिल भारतीय आदिवासी युवा परिषद दिल्ली के तत्वावधान में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला शाखा की ओर से आयोजित किया गया था। इस चक्का जाम आंदोलन के कारण गढ़चिरौली शहर का मुख्य गांधी चौक करीब 4 घंटे तक जाम रहा। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला था कि भर्ती प्रक्रिया में 12,500 फर्जी आदिवासियों ने नौकरियां हासिल की है, इसके समाधान के रूप में विशेष जनजातीय सेवकों की भर्ती शुरू करने का आदेश दिया गया। इसे अब तक लागू नहीं किए जाने पर आदिवासी युवाओं व छात्रों ने आक्रोश व्यक्त किया। इस व्यक्ति ने हाल ही में गढ़चिरौली जिले के लिए पटवारी भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित किया था। इस विज्ञापन में ओबीसी को मौका नहीं मिलने का मामला आदिवासी प्रतिनिधियों ने विधानसभा में उठाया था। युवाओं और छात्रों ने जनप्रतिनिधियों को याद दिलाया कि उन्होंने इन जनप्रतिनिधियों को आदिवासी मुद्दों को विधानसभा में उठाने के लिए चुना है। आदिवासी छात्र ओबीसी या किसी अन्य समूह के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमें अपना हिस्सा दे, ऐसी भावना मार्च में शामिल आदिवासी छात्रों ने प्रमुखता से रखी है। 2017 रोजी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निकाल दिला है कि 12,500 पद भर जे बोगसांनी बडकावलेली आहे, जे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेल्या अशा अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करून खऱ्या आदिवासींची विशेष पदभरती करण्यात यावी, परंतु राज्य सरकारने अजूनपर्यंत अंमलबजावणी करण्यात नाही आली आहे, ते अंमलबजावणी करण्यात यावी। तलाठी पदासाठी एक मोठी जंबो जाहिरात निघाली, त्याच्यामध्ये गडचिरोलीसाठी पेसा अंतर्गत जवळपास 158 जागा देण्यात आल्या होत्या, ज्या पूर्णपणे पेसा अंतर्गत क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या होत्या, ज्या 2014 राज्यपालांच्या GR नुसार होत्या। मात्र त्याच्यामध्ये 24 जुलै रोजी शासनाने आमच्याच खासदार, आमचे आमदार आहेत, आमचे आमदार डॉक्टर देवराव होळी आणि आमचे आमदार कृष्णा गजबिये यांनी विधानसभेत मागणी केली की बाबा आमच्या आदिवासींना ह्या जागा नका देऊ, दुसऱ्यांना जागा द्या। तर आम्ही आमचा हा प्रतिनिधी निवडला आमच्या आरक्षणाच्या बेसवर की बाबा हे अनुसूचित जमातीचे मुद्दे मांडतील, मात्र हे आदिवासी लोकांच्या जीवावर उठलेले आहेत, म्हणून आम्ही हा निषेध करत आहोत, यासाठी आम्ही आलेलो आहोत। आणि महत्त्वाचा मुद्दा असा की आमचा विरोध, आदिवासी विद्यार्थ्यांचा विरोध ओबीसी बांधवांच्या जागेला नाही आहे।
जिले के हिंगनघाट तहसील में भारी बारिश से कृषि को व्यापक नुकसान हुआ है। इसी बीच वर्धा जिले के हिंगनघाट तहसील में यशोदा नदी में बाढ़ आने से और नाले से लगी खेत में पानी घुसने से खेत बर्बाद हो गए हैं और अब किसान चिंतित है। वर्धा के चंद्रकांत मलकापुरे ने खेत में कपास की खेती की, हालांकि अब वह खेती पूरी तरह से नष्ट हो गई है। अब किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि खेती का पंचनामा तुरंत किया जाए और आर्थिक सहायता दी जाए, तो अब बलिराजा संकट में है। मी चंद्रकांत वामनराव मलकापुरे, माझं शेत पूर्णपणे डुबलेलं आहे। यशोदा नदीला पूर आला होता आणि माझ्या शेताला नाला लागून आहे। त्या नाल्यामुळे माझं शेत पूर्ण पाण्याखाली आलेलं आहे आणि या शेतामध्ये मी कापसाचं उत्पन्न लावलं होतं। कापसाचं उत्पन्न लावलं आणि पाण्याखाली ते पूर्ण सडून गेलं ते, आणि माझ्या शेतामध्ये 4 वेळा पूर झाला आतापर्यंत। हा चौथा पूर आहे। चौथा पूर असल्यामुळे माझी फक्त एवढीच विनंती आहे शासनाला की इथे येऊन चौकशी करावी पटवाड्याने आणि मला जे भी आर्थिक मदत मिळेल, फूल नाही फुलाची पाखरे, बस एवढी मदत करावी हीच विनंती आहे। आणि माझं फक्त एवढंच म्हणणं आहे की माझ्या शेताला जो नाला लागून आहे त्या नाल्याचं शासनाने खोलीकरण करून द्यावे, पुन्हा सुद्धा हेच विनंती करतो मी। यवतमाळ जिले के दिग्रस शहर में बाढ़ पीड़ित परिवारों के रहने के लिए मेमन जमात खाना में व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। यहां उनके रहने की व्यवस्था की गई है। उन्नति मल्टीपर्पज सोसाइटी इस सेवा को अंजाम दे रही है। सोसाइटी ने जरूरतमंदों से अपील की है कि वे यहां आकर इस सेवा का लाभ उठाए। 22 जुलाई शनिवार को दिग्रस शहर प्रलयकारी बाढ़ में जलमग्न हुआ। सैकड़ों परिवार एक ही झटके में रास्ते पर आ गए। उनका घर बार सब कुछ बाढ़ में बह गया। पालिका प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के पीड़ितों के रहने के लिए पालिका के हॉल, योगा भवनों सहित स्कूलों के दरवाजे तक खोले और तहसील प्रशासन के आपूर्ति विभाग ने भी उनके 2 वक्त के खाने की जिम्मेदारी उठाई है। ऐसे में स्थानीय उन्नति मल्टीपर्पज सोसाइटी ने भी इंसानियत के नाते आगे आते हुए शहर के मेमन जमात खाने में लोगों के रहने और सोने का पर्याप्त इंतजाम किया है। यहाँ कई बेसहारा परिवारों को सर छुपाने के लिए छत मिल गई है। यहाँ रह रहे बाढ़ से प्रभावित लोगों ने स्थानीय प्रशासन और उन्नति मल्टीपर्पज सोसाइटी के इंतजाम के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। आमचं पुरं विटळ वाहून गेला, पुरा पसारा, घर दार सगळं सब सवान जागेसारखी जागा झालेली आहे। आमच्याकडे काही सोय पण नव्हती राहण्याची, तर आम्ही जमात खाण्यात राहिल्या। इथं दोन्ही टाईम खाण्याची सगळे सोय चांगली आहे म्हणून आम्ही इथं राहिलो। पण हा आम्ही इथं सगळं काही आम्हाला चहा पाण्याकडून सुद्धा सगळी आमची चांगली सोय होत आहे। घर में पूर्ण पूरा भाई के गया, घर में कुछ भी नहीं रहा। मेरा खुद का बच्चा जा रहा था भाई घर, पर भी बचा ली मैंने मेरे बच्चे को। कुछ भी नहीं घर में, हमको जगह दो, बस हमको कुछ ना खाने पीने मिल रहा, अच्छी सेवा चल रही है। तो हम यहाँ पे उन्नति मल्टीपर्पज सोसाइटी के अध्यक्ष मिर्जा फिरोज बेग, उपाध्यक्ष अजीम अकबर चौहान, सचिव मिर्जा मस्तान बेग, सदस्य फैसल बेग मिर्जा और मोहम्मद आवेज यहां जी जान से लोगों के लिए हर मुमकिन व्यवस्था करने में जुटे हैं। उन्होंने NBCN न्यूज़ चैनल के जरिए शहर और परिसर के अन्य बाढ़ पीड़ितों को भी यहां आने और रहने का आह्वान किया है। मैं उन्नति मल्टीपर्पज सोसाइटी का सचिव होने के नाते से ये बताना चाहूँगा कि आज जो संकट का जो दौर चल रहा है, यहाँ पे शनिचर के रोज से जो बाढ़ की जो चल रही है, उसके लिए हमने यहाँ पे जमात खाने में सब लोगों को रहने का और सोने का इंतजाम किया हुआ है और यहाँ पे प्रशासन की ओर से खाने पीने का भी इंतजाम किया जा रहा है। सभी तहसीलदार साहब की ओर से, सभी की ओर से खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को यहाँ पे सोने के लिए इंतजाम भरपूर किया गया है। जो भी लोग आना चाहते हैं वो आना चाहे। स्थानीय प्रशासन और उन्नति मल्टीपर्पज सोसाइटी की इस प्रशंसनीय पहल से कई मजबूर और बेसहारा लोगों को अस्थाई ही सही, लेकिन सर छुपाने का ठिकाना मिल गया है।
दिग्रस शहर में आई बाढ़ के कारण कई परिवारों का घर उजड़ चुका है, उनके आशियाने ढह चुके हैं। ऐसे में कई गरीब परिवारों के लोग जो बेसहारा हो चुके हैं, जिन्हें सर छुपाने के लिए छत तक नहीं मिल रही है, वे लोग आज यहाँ मेमन जमात खाने में रह रहे हैं। उनकी देखभाल एक तरह से यहाँ जो उन्नति मल्टीपर्पज सोसाइटी है वो कर रही है, साथ ही स्थानीय प्रशासन भी यहाँ पर इन लोगों के खाने का इंतजाम कर रहा है। दिग्रस शहर में वैसे तो जो लोग बेसहारा है, बाढ़ में जिनका सब कुछ डूब चुका है, उनके लिए कई स्वयंसेवी गुट आगे आ रहे हैं और अन्नदान कर रहे हैं, कई लोग जरूरत का सामान उन्हें प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में उन्नति मल्टीपर्पज सोसाइटी ने भी सामने आकर बेसहारों का सहारा बनने की जो पहल की है, वाकई काबिले तारीफ है। एनबीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द ही मिलते हैं, देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।